वेल हाई गाइज, यू आर वॉचिंग रिंकूज व्लॉग। आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन्स के बारे में। अगर हम वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होता है पीरियड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पीरियड्स को लेकर, क्योंकि आप मोस्टली हम जो लड़कियाँ होती हैं वो किसी से इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाती, हेजिटेट होती हैं, उनको मतलब शर्म आती है, वो खुलकर इन सारी चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर पाती हैं। तो ये सबसे पहली गलत फहमी है आपकी, आप ये गलत करते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये वो उन हर औरतों को होती है जो हमसे बड़ी हैं या जो हमसे छोटी है, उनको भी ये चीज़ होने वाली है। अगर आपको नहीं होता है पीरियड्स तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस अगर आपको पीरियड्स नहीं होते तो आप जाके अपने गायनिक से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक वुमेन की लाइफ में होना। तो हम यहाँ पे आज अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमको लड़कियों को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करें कि ये कितना नॉर्मल चीज़ है, हम हेजिटेट ना करें। हमें उन छोटी लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए जिनके पीरियड्स आने वाले हैं, जो कि हमसे छोटी हैं, उनको अर्लियर एजुकेट करके रखना चाहिए। बिकॉज अगर हम उन लड़कियों को पहले ही एजुकेट कर देंगे इन सब चीज़ों के लिए तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सा टाइम ऐसा होता है हमारे स्कूल, जब हम स्कूल में थे तब जब भी किसी लड़की को ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती थी अगर स्कूल टाइम पे, तो हमको भी किसी ने एजुकेट नहीं किया था। बट ये होता था कि हमको ये सारी जब प्रॉब्लम्स हुई तो हम लोग डर जाते थे कि ये क्या हो गया। हमारे क्लास की तो कुछ लड़कियां ऐसी होती थी कि वो बेहोश हो जाती थी कि हमको क्या हो गया। कुछ लड़कियों को तो ये होता था कि वो ये सोचती थी कि उन्हें कैंसर हो गया, कुछ लड़कियां ये सोचती थी उन्हें पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, कुछ ऐसी लड़कियां सोचती थी पता नहीं हमको क्या हो गया। कई लड़कियों ने तो इसको लेके सुसाइड भी किया है। अगर हम इन सब चीज़ों का रेशियो देखें तो जिन्हें पता नहीं होता है वो कई बार, वो लड़कियां डर जाती हैं, वो जो बच्चियां होती हैं छोटी वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। कई बार वो स्कूल में अगर उनके साथ अगर ये फर्स्ट टाइम हो जाता है तो वो शर्मिंदगी महसूस करती हैं कि यार ये क्या हो गया, ये हमको दाग लग गया। इससे डरने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है। और इन सब चीज़ों के बारे में अगर मान लीजिए अगर आपको दाग भी लग गया तो इट्स नॉट अ बिग डील यार, ये एकदम नेचुरल है, ये किसी को भी होगा ही, सिर्फ लड़कियों को होगा। अगर नहीं होता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पहली चीज़, हमें उन छोटी लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए जो इन सब चीज़ों को आगे चल के फेस करने वाली हैं। अगर उनको ये सब चीज़ों का पता होगा तो वो इन सब चीज़ों से घबराएंगी नहीं। अगर ये चीज़ें उनको होंगी तो वो जाके अपनी टीचर्स, अगर उनको स्कूल में होता है तो वो अपनी टीचर्स से जाके कंसल्ट करेंगी, मैम हमको ये चीज़ें हो गई हैं, आप हमको ये चीज़ें या पैड प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये क्या होता है, ये उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि नहीं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, या कोई चोट या कोई बीमारी या कोई बड़ा इशू नहीं है, या इसको ये होने से कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। ये इनसे क्या होगा, उनका मेंटल स्टेट एकदम वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि हाँ भाई ये होना ही है और कभी भी ये हो सकता है। आजकल की तो क्लास टू क्लास थ्री की भी लड़कियों को, या कोई भी लड़की जो 10 साल की होती है, मैंने तो उनको भी देखा है कि उनको भी हो जाता है। तो ये हार्मोनल्स की चीज़ें हैं, ये होती ही हैं, कभी किसी को लेट होती है, किसी को जल्दी होती है, किसी किसी को बहुत पेन होता है इन सब चीज़ों में। दूसरी चीज़, अगर आपको पेन होता है, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या आप कॉलेज जाती हैं, आपको कुछ है, तो आप इन सब चीज़ों से डरिए मत। बहुत सी लड़कियों को इन सब चीज़ों में पेन होता है, किसी को 2 दिन का होता है, किसी को 7 दिन होता है, किसी को 21 डेज़ का होता है। तो पहली बात, इनसे डरिए मत, इसको खुल के बाहर आइए आप इन सब चीज़ों पे, आप आराम से इन सब चीज़ों के बारे में सबसे शेयर कीजिए। सबसे नहीं, इट मीन्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, हो सकता है शायद उनके पास उनका कुछ अलग से रेमेडी हो घर का, या कुछ हो उनके पास अच्छा, या वो कुछ अच्छा कंसल्ट करें, या आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता है शायद वो पीरियड्स वाली ना हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। तो वो जो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं या अपना जो सर्कल होता है, हम जिसमें अगर किसी से शेयर कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें नया नया आइडियाज़ मिलता है कि हाँ ये हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो, आपको पेन होता है, तो आप जो हॉट वाटर बॉटल होती है आप उसको कैरी कीजिए। बिकॉज उसको कैरी करने से ये होता है ना कि जो पेन जिनको होता है तो वो उनसे सब अपना सेक सकती हैं। ठीक है, किसी को पता चल जाएगा कि हाँ आपके पीरियड चल रहे थे, इट्स कॉमन, कोई बात नहीं, पता चलने दो, होता है। आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ करो। अगर आपको ज़्यादा पेन होता है तो आप अजवाइन का पानी पियो। अजवाइन का पानी पीने से होता है कि जितना भी आपका जो ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है,
आपको पेन नहीं होता, मैं तो बोलूँगी कि पीरियड्स जिस दिन से आपका शुरू होता है ना, आप उस दिन से ही वो अजवाइन का पानी पियो। पीरियड्स जैसे कि वो सबसे बढ़ता घटता घटता ऐसा होता है, तो जो फर्स्ट के जो 3 डेज होते हैं, 3 to 4 डेज होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा होंगे। फर्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत से लोगों को कम होता है फर्स्ट डे, वो किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 दिन तो मैक्सिमम चलता ही है, उसके बाद ये धीरे 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 करके कम हो जाता है। आप कभी भी ये पीरियड्स के टाइम पे कॉटन के पैड्स, मैं नहीं बोल रही कि कॉटन के आप कपड़े कभी यूज़ करो, क्योंकि उसमें बहुत सी बैक्टीरिया हो जाती है, ठीक है। आप कॉटन का पैड इस्तेमाल करो, उस वो बहुत अच्छा होता है, और आप उसको हर 4 घंटे या 3 घंटे में आप उसको चेंज करते जाओ। वैसे तो 6 घंटा बोलते हैं, बट ये मैं यही बोलूँगी कि आप हर 4 घंटे 3 घंटे में आप उसको चेंज कर दो। आप मेंस्ट्रुएशनल कप आते हैं आजकल मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हो, टेम्पॉन आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप इन सबको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ा दिन अगर आप मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ करते हो तो आपको लगता है कि आपको अजीब लगेगा, नहीं ऐसा सब कुछ नहीं होता है, वो आपकी बॉडी में मिल जाता है, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है, वो मिल जाता है अच्छे से, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैम्पॉन जो होता है, आजकल की मोस्टली वर्किंग वूमेंस टैम्पॉन यूज़ करती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं आप ये सबसे, अगर आपको इन सबसे हिचकिचाहट या आपको डर होता है, तो आप सबसे कॉमन चीज़ आप कॉटन के पैड्स इस्तेमाल करें जो मार्केट में अवेलेबल है, तो और उसको ऐसे से करें नॉर्मली, जल्दी जल्दी आप उसको बदलें, उसको चेंज करें। बहुत सी मार्केट्स में मेडिसिन अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपनी जितनी भी जो पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स है आप उसको कम कर सकते हो, या आप इनके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी, अगर कुछ भी आपके लिए बेनिफिट होती है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।